नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में। दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, जो कि जूम ऐप के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें लाइव होता है। बच्चे सारे क्वेश्चन पूछते हैं और हर एक चीज लाइव और इंटरेक्टिव होता है। तो अभी ये संडे का हमारा बैच है, वीकेंड बैच है, और हमारे साथ कुछ लोग ज्वाइन होने वाले हैं और हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे एक फुलर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई डाउट या किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल ही सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कमेंट से अच्छा होगा कि डायरेक्टली मुझे आप फोन या व्हाट्सएप या स्काइप कर सकते हैं। और इस तरह की आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जहाँ जाके देख सकते हैं। आपको डेमो लेना है तो डेमो ले सकते हैं, अगर डायरेक्ट एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हैं, और साथ में हमारे डीवीडी को भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रजनीकांत जी और विश्वराज जी ज्वाइन कर चुके हैं, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, तो प्लीज स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, जो कि हमने कल प्रोजेक्ट किया था। कल का प्रोजेक्ट क्या था हमारे पास, कि हमारे पास वीडियो फाइल थी जिसमें जिसका डेट एंड टाइम इस तरह से था, नाम इस तरह से था, इसके नाम में टाइम था। इस टाइम के अकॉर्डिंग हम फोल्डर क्रिएट करके डी ड्राइव में, और उसके अंदर हम उस वीडियो को कॉपी कर रहे थे, राइट। अब मुझे आज क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं जूम का, राइट, जूम। और हमारे पास यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट में जूम के फोल्डर के अंदर में इतने सारे फोल्डर्स हैं रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग्स का, जिसमें आप देखेंगे फोल्डर का नाम क्या है, 2018-10-17, तो ये ईयर हो गया, 10 महीना हो गया, 7 दिन हो गया, और 11 टाइम हो गया, 15 मिनट हो गया, और 27 सेकेंड हो गया, और सुजीत कुमार पर्सनल मीटिंग रूम और ये मीटिंग आईडी हो गया, ठीक है। तो जो सुजीत कुमार आप देख रहे हैं, इससे पहले आप देख रहे हैं कि हमें हमें क्या करना है कि इस फोल्डर को ओपन करना है। ये फोल्डर का नाम क्या है, 11 है। इस फोल्डर के अंदर जाना है और इस फोल्डर के अंदर, जैसे मान लीजिए 9 है, इस फोल्डर के अंदर जाना है और जो zoom-0 का जो फाइल है इस फाइल को कॉपी करना है, और कॉपी करके डी ड्राइव के जूम में 9 बजे का फोल्डर इस तरह से क्रिएट होगा, और इसमें उस फोल्डर का इस पेस्ट कर देना है, और इसका नाम जो है, फाइल का नाम जो है क्या रखना है, जिस डेट का उठा है वो डेट रखना है, ठीक है, समझ गया। हाँ जी सर, तो सबसे बड़ा चुनौती ये है कि हमने DIR फंक्शन लगा के, हमने आपको बताया था कि हम फाइल का लिस्ट ले लिए थे। अब बात होती है कि फोल्डर का लिस्ट कैसे लिया जाए। अगर फोल्डर का लिस्ट मिल जाता है तो बाकी काम किया जा सकता है, समझ गए। तो फोल्डर की लिस्ट के लिए ये मैं भूल गया था, काफी दिन पहले मैंने बनाया था इसको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम जो लग गया इसलिए लग गया निकालने में। तो सबसे पहले आपको यहाँ टूल्स में जाना है, रेफरेंसेस में, और आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, ठीक है ना, और स्क्रिप्ट कंट्रोल, इन दोनों को आप चेकबॉक्स में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इंसर्ट करता हूं रूल्स, सब्जेक्ट, गेट फोल्डर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहां पे हम लिखते हैं डिम एफ एस,
ठीक है ना, एज ए, यहाँ पे एज ए न्यू, और न्यू में आप देखेंगे हो जाएगा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, समझ गए, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ये जरूरी है। अब ये जो आपने फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिखता अगर आप टूल्स में जाके, रेफरेंसेस में जाके आप ये स्क्रिप्टिंग रन टाइम को कॉल नहीं करते तो, समझ गए। फिर एक और यहां लिखते हैं कि डिम एफ एज ए फोल्डर, और फिर एक डिम एस एज ए अगेन फोल्डर, दो फोल्डर का हमने निकाल लिया। अब फिर करता हूं सेट एफ इक्वल टू एफ एस डॉट गेट फोल्डर, और इसमें आपको पाथ देना है, किस पाथ से आपको फोल्डर का लिस्ट चाहिए। तो माय डॉक्यूमेंट में जूम का है तो हमने जूम को सिलेक्ट कर लिया और इन्वर्टेड कॉमा में इसको दिया और स्लैश यहां भी दे दी, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है सर? अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे फाइल फोल्डर्स होंगे, जैसे हमने वहां पर डू लूप लगाया था, राइट, यहां पे डू लूप नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे फोर इच लूप, फोर इच एस इन एफ एफ डॉट सब फोल्डर, समझे। और फिर यहां पे देते हैं रेंज ए 65,000, या फिर इससे अच्छा है कि हम ये भी दे सकते हैं कि आई इक्वल टू आई I इक्वल टू आई प्लस वन, और यहां पे लिख देते हैं सेल्स I कॉमा वन इक्वल टू S, ठीक है, और यहां पे नेक्स्ट S कर दीजिए, और फिर सेट S इक्वल टू नथिंग, ताकि दोबारा चलेगा तो दिक्कत नहीं आएगा, हम क्लियर कर दिया खाली। और सेट एफ इक्वल टू ऑल्सो नथिंग कर दीजिए। ऐसा करने से जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा आप देखेंगे मेरे एक्सेल सीट पे सारे फोल्डर की लिस्ट आपके सामने, आया समझ में? सर वो कब तक चलेगा अपना, सारे कॉपी करें ना इसने फॉर ईच? इसके अंदर मतलब कि हमने क्या बोला, देखिए हमने बोला एक फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट लिया क्योंकि एक्सेल से बाहर की चीजें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट लिया। फिर हमने दो फोल्डर ऑब्जेक्ट बनाए कि भाई एफ बी फोल्डर है और एस बी फोल्डर है, समझे जी। F पे हमने शूट कर दिया कि fs मतलब कि फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट गेट फोल्डर, और हमने फाइल का पाथ दे दिया, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जितने भी फोल्डर्स हैं सबका रिकॉर्ड F पे आ गया, ठीक है, फोल्डर के सब फोल्डर का रिकॉर्ड। फिर हमने S जो बनाया था, क्योंकि आप देखे थे कि मैंने ईच को रेंज में चलाया था, फिर भी हमने डीम आर एज ए रेंज एक डिफाइन किया था ना हमने, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे dim s as a folder ज्वाइन किया, हमने बोला कि for each s मतलब कि हर एक फोल्डर के f के सब फोल्डर को रीड करेगा, मतलब कि s के अंदर, सॉरी f के अंदर जितने भी फोल्डर, मतलब कि इस पाथ में जितने भी फोल्डर है वो फोल्डर वन बाय वन s पे असाइन होगा, समझ गए? हाँ जी। फिर हमने आई वन प्लस वन कर दिया और सेल्स आई कॉमा एस मतलब कि सेल्स की वैल्यू इक्वल टू एस कर दिया, और फिर वापस नेक्स्ट। ये कब तक चलेगा? सॉरी जितने इसके फाइल होंगे, फोल्डर्स होंगे, बोलिए। अच्छा, जितने इस पाथ में फोल्डर होंगे उतना बार चलेगा, वन बाय वन सेल्स में फोल्डर का पाथ देता चला जाएगा।
समझ गया? फिर इसमें जो सेल्स आई कोमा वन, ये क्या, ये कहाँ देखिए पे आई डाला हमने आपने? यहाँ क्या क्या हुआ, आई वन आई आई इक्वल टू आई प्लस वन किया हुआ है। हाँ ये तो बढ़ता रहेगा, 2 3 4 हाँ, तो फाइव ऐसे ही ऐसे सेल्स में चलता अपन का रहेगा। तो 1.1 मतलब कि ए वन रखेगा, 1.2 मतलब दूसरे पर रखेगा, 1.3 मतलब तीसरे पर रखेगा। नहीं लेकिन सर इसमें हमने कोई डेस्टिनेशन नहीं दिए, कहाँ पे पेश कर रहा है, और यस, कुछ हमने हमने यहाँ रखा रेंज ना वगैरह सेल्स, शायद आप भूल गए नहीं, जब मैं सेल्स आपको रेफरेंस पढ़ाया था, तो जैसे कि रेंज होता है ना यहाँ पे, ए वन नहीं होता नहीं है सर ना, ये तो आ गया, ये तो उसी आ गया, तरह रो से प्लस, ये रो सेल्स कॉमा में कॉलम। 1.1 होता है ए1, हाँ जी समझ गए? हाँ, तो जी ये आपका रो होता है, ये आपका कॉलन होता है। तो ये बोल रहा है कि पहले कॉलम पे पहला रो, पहले कॉलम पे दूसरा रो, पहले कॉलम पे तीसरा रो, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, ये आप जो आप कंफ्यूज हाँ होते हैं कि मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं लगाया, तो डॉट वैल्यू भी लगा दीजिए, ठीक ठीक है। नहीं समझ गए? सर पहले तो जैसे हम एक वो भी लेते थे ना कि Sheet 3 Sheet 4, इसमें कहीं पे भी हम कर रहे हैं क्या एक्टिव पेस? पे कर रहा है ना, एक्टिव पे कर रहा है, जो एक्टिव अच्छा स्पेसिफिक अच्छा है, अच्छा अच्छा ठीक है। अब अच्छा ठीक मुझे इसमें से इसके टाइम निकालने हैं, राइट? हाँ जी। इसके टाइम निकालने हैं। सर ये पाथ भी ले आया है सर नाम के साथ साथ। हाँ, पाथ भी लाता है, ये फिक्स सिस्टम फिक्स है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं फाइंड, वही जो कल बताया था मैंने आपको कि स्पेस जी इसके अंदर जाएगा और कॉमा हुआ, 52 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, मिड इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे 52+1.2, तो 20 डे टाइम आ गया, समझ गए सर? हाँ जी तो यहां पे हम ये चीज कर रहे हैं, कि एफ इक्वल टू तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, माफ कीजिएगा, डिम फुलर नेम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहां पे करता हूं मैं, माने कि स्पेस काउंट एस सी इक्वल टू इन एस टी आर, इसमें हमने कर दिया एफ एन, नहीं इसमें 1 होगा, 1.fn.space, लेकिन हमने एफ एन पे कुछ स्टोर तो किया नहीं, तो यहाँ पे एफ एन इक्वल टू एस कर दिया, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टी इक्वल टू मिड, मिड में हमने कर दिया स्पेस यहाँ पे एफ एन कॉमा स्पेस काउंट प्लस 1.2, और फिर क्या हो जाएगा, एम के डी आई आर, और हमें फोल्डर कहाँ क्रिएट करने हैं, तो डी ड्राइव के अंदर, जूम के अंदर, ठीक है सर? स्लैश ए हो गया। अब पाथ है फाइल का नाम, ये तो समझ में आ गया सर आपको? जी। रजनीकांत जी, आपको समझ में आया? यस सर, यस सर। अब बात होती है, क्योंकि आपने देखा कि हर फाइल का नाम जो है वो जून डैश जीरो ही है, दिख रहा है ना आपको सर? जी तो अगर मैं हर, मान लीजिए कि इसमें तो हर फाइल है, तो हर दिन का जून डैश जीरो है, तो जून डैश जीरो ही जाएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, तो हमें इसका नाम भी चेंज करना होगा ना सर, क्या? तो यहां पे नाम कैसे, इस नाम इसका डेट डालना चाहते हैं, तो मैं इसी चीज को करता हूं कि मैं यहां पे
सबसे पहले फाइंड करता हूं टू इसके अंदर कॉमा, फिर फाइंड करता हूं डॉट इसके अंदर और कॉमा, फिर मैं लगाता हूं कॉमा मिड इक्वल मिड, मिड में बोलता हूं कि भाई इसमें जाओ 42 से स्टार्ट करो और 55 माइनस 42 उठाओ। आया समझ में कि नहीं आया? हमने इसको बोला है कि भाई दू का टू जो है 2018 होगा, 2019, 2020 ऐसे दो से ही होगा सर, है ना, 10 सालों तक, 10-12 सालों तक दो ही चलेगा, उसके बाद तीन आएगा ना ईयर। तो ये हमारा दो हमने किया कि दो को फाइंड करो, तो दो को इसने फाइंड किया ए थ्री में पहले से, तो बताया कि दो जो है 42 नंबर पे है। फिर मैंने देखा कि टाइम के बाद ही पहला डॉट है ना, तो हमने टाइम को यहां पे दिया कि भाई डॉट को फाइंड करो और इससे हमारा टाइम निकल गया। तो टाइम जहां पर है वहां का लोकेशन, टाइम के बाद का डॉट का लोकेशन निकल गया। फिर मैंने मिड फॉर्मा लगाया और बोला कि मुझे स्टार्ट करना है 42वें नंबर से और कितना कैरेक्टर चाहिए, तो 55 माइनस 42 मतलब कि डॉट माइनस 2। तो रिजल्ट आपके सामने है, ये पूरा डेट और टाइम का आवर आ गया, ये हमारा फाइल नेम होगा, ठीक है। अब यही पे हम और करते हैं, हम यहां पे करते हैं, यहां पे ईयर काउंट वाई सी इक्वल टू इन एस टी आर और इसमें देते हैं एफ एन, नहीं नहीं इसमें वन कॉमा एफ एन कॉमा, हमने इन्वर्टेड कॉमा में टू दे दिया, ठीक है। और फिर इसी को एक और कॉपी करते हैं और हम देते हैं डॉट और यहां पे डी सी डॉट काउंट फाइल नेम एफएल इक्वल टू हमने कर दिया मिड और मिड में हमने बोला कि एफएल से चलो वाईसी से स्टार्ट करो और डीसी माइनस वाईसी को निकाल दो, ये आ गया फाइल नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है नेम का, नेम और नेम में हम पास दे रहे हैं एफ एन देखने दो नहीं स्लैश फाइल का पार, फाइल का नाम क्या है मैं देख लेता हूं, जूम और कौन सा MP4 जूम 0 MP4 जूम 0 डॉट MP4 एज ए ये वाला हमारा कॉपी पेस्ट एफएल एंड द रेट डॉट MP4 इन्वर्टर कमा नहीं था, इन्वर्टर में देखे थे, समझ आया सर, रिनेम करेगा और साथ में कॉपी भी कर देगा। निकाल लिया
एसी ऑन कीजिएगा। सॉरी सर, और इसमें एरर आने के चांसेस हैं, हम क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। क्यों एरर आने के चांसेस है ये पता है आपको, क्योंकि फोल्डर एक से दो नहीं बन सकते, तो बाद में इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है सर, अब मैं इसको एक बार रन करता हूं। मैं देखता हूं हमारे डी ड्राइव में जूम फोल्डर में तो कॉपी हो रहा है, इसी में इसमें जा ही नहीं रहा है। ओ देखिए टी के बाद हमने स्लैश नहीं लगाया है, दिक्कत हो गया ना। टी के बाद हमने स्लैश नहीं लगाया है, एक छोटी सी गलती है जो कि सब कुछ हो रहा है बट वो कॉपी नहीं कर रहा है फोल्डर में, समझ गए। कॉपी क्यों नहीं कर रहा है पता चल गया ना आपको सर, क्योंकि जैसे जूम स्लैश टी हुआ था, जैसे कि नाउ हुआ था, नाउ स्लैश फिर फाइल का नाम आना चाहिए ना। तो स्लैश लगा दीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। अब फाइल हो सकता है कि दिक्कत दे, मतलब कि बंद हो जाए, तो मैं इसकी एक फोटो खींचता हूं, स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूं। हाँ स्क्रीनशॉट सबसे अच्छा है, और आप लोगों को मेल कर देता हूं ताकि आप लोग इसको कर सके। ये फाइल हैंग हो गई है ना, मैं एस्केप प्रेस कर दिया था। इस कोड में दिक्कत है कोई आपको सर? नहीं सर, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखते हैं एक बारी ना प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इस फोल्डर इसमें आपको क्या ऐड करना है, कल जो मैंने DIR फंक्शन को ऐड किया था उसको आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, हो जाएगा सर जी। सर एक आपने सेटिंग्स में जाके कुछ चेक इन किया था वो स्क्रिप्टिंग का कोड्स, हाँ जी वो दिखाना सर एक बारी, कौन सा था उसका भी स्क्रीनशॉट में देना सर। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अच्छा
यहाँ ही रहेगा सर, बहुत सारे फाइल्स हैं ना इसलिए। मैं ये फाइल आप लोगों को मेल कर देता हूँ, ठीक है? हाँ जी इस पे जो काम मैंने बताया था उसको कीजिए, ठीक है सर? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से आपके आगे आपके आगे के जो टॉपिक है उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दो दिन का प्रोजेक्ट दे दिया ताकि आप लोगों का बस वीवीए में माइंड चेंज हो इसलिए सर। ठीक है ठीक है।